शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सब्जी अरे नहीं 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 खिंचवा नहीं रहने दो रहने सब्जी एक फोटो रहने दो अरे क्या भाई साहब पर्चे पर लिख देने से शादी होती है क्या होती होती है पंडित जी अब होने लग गई है अरे ये होटल नहीं 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 बताइयो बताइयो स्टैंडर्ड रेट है आप किसी से भी पूछ लीजिए अंदर जो बॉस है ना उनसे कहिए अंकुश रामदेव आपका काम यूं हो जाएगा और करे भाई हाथ रखिए हाथ रखिए हाँ अभी कैमरे में देखिए हाँ दैट्स गुड नाउ स्माइल ब्रॉडर ब्रॉडर अरे सर इनकी शादी करा दो ना प्रॉब्लम क्या है किसी ने ऑब्जेक्शन उठाई है ये शादी नहीं हो सकती साहब जी आप चाहें तो सब ठीक कर सकते हैं ना देखिए ना अपने बच्चे बेचारे बहुत उम्मीद लेकर आए हैं कुछ कर दीजिए ना ऑफिस से बोल रही हूँ थैंक यू गोवा दो हफ्तों के लिए नहीं बबलू को तो एक हफ्ते की छुट्टी मिली थी लेकिन मैं यहाँ पे फुल एंजॉय करना चाहती हूँ
इतना सोचने की क्या बात है, अंदर पूरा सेटिंग है अपना भाई, देखना आप। ओ तिवारी जी, एक फॉर्म चाहिए था मैरिज का, मिल जाएगा। मुबारक हो आपको भी भाभी जी, मेरे 200 रुपए। शुक्रिया शुक्रिया। अरे बधाई हो भाभी जी, जोड़ा कितना बढ़िया लग रहा है, शादी के मौके में बैंड नहीं बजवाएंगे आप? एक मिनट भाई साहब, स्माइल प्लीज। ओए छोटू, क्या एक चाय ले यू? ले ये चाय भैया को दे दे। थैंक यू यार। ओए छोटू ये रख। अंकुश। हाँ जी, मैं बाद में मिलता हूँ। हेलो सिस्टर, शादी आपकी आज, मुबारक हो। गवाह तो होंगे ना आपके पास? देखिए रजिस्टर करने के लिए आपको 4 गवाह की ज़रूरत पड़ेगी, 2 लड़के की तरफ से और 2 लड़की की तरफ से। अब ज़रूरत हो तो फिर एक साइन मैं कर दूंगा जिसके 200 रुपये लगेंगे, ये स्टैंडर्ड रेट है, आप किसी से भी पूछ लीजिए। वो आए नहीं अभी तक, अटक गए होंगे कहीं पर, आ जाएंगे। ऑफिस अभी खुला है, 5 बजे तक चलेगा। वो चाय की दुकान है ना, मैं वहीं पे होऊंगा, आप मुझे ही बुलाना ठीक है? थैंक यू। संभाल के रखिएगा। धीरज रंसारिया, मेघा जोशी जी। चलिए। वो अभी तक आए नहीं है। 11 बजे का टाइम था ना आपका। मनीष भट्ट, इंद्राणी सिंह। अभी तक नहीं आया? नंबर तो दे रखा है लेकिन लड़के की खबर नहीं। प्लीज भाई साहब, थोड़ी देर और। अरे दिन भर में नहीं आया, वो आप क्या आएगा? वो आएगा। किशोर, ये साइन करा दे यार। नहीं नहीं, टाइम खत्म हो गया है। किशोर जी, समय की समाप्ति में अभी भी वक्त है। अरे सिस्टर, आप अभी तक यहाँ पे आए नहीं? वो आ जाएगा, फिक्र मत करिए, लेकिन जब शादी होगी तो गवाह के लिए मुझे ही बुलाना। हाँ रात हो गई है, घर जा।
तो अभी तक यहाँ पे है? आया नहीं वो? देख मुझे लगता है मामला सीरियस है, तू घर चली जा। मैं नैनीताल से आई हूँ। नैनीताल? और वो लड़का? वो भी। अच्छा सुन, अभी भी वक्त है, तू ट्रेन पकड़ के निकल जा। घर पर चिट्ठी छोड़ आई हूँ। चिट्ठी? ओ, फिल्मों वाली चिट्ठी। एक काम कर, तू उसको फोन कर लेना। दोपहर से मोबाइल ट्राई कर रही हूँ, लग नहीं रहा है, और जब घर पे फोन करती हूँ तो कोई और उठा लेता है। तुम्हारी आवाज पहचान लेते हैं ना? क्या अंकुश? हाँ। सब ठीक है? हाँ ठीक है। खाना खाया? खाया यार खाया। लगता है जल्दी नहीं आएगा वो। आ रहा हूँ यार। क्या आप मेरे लिए फोन करेंगे? मैं? प्लीज। अच्छा चल ठीक है, बोल दूंगा उसका दोस्त हूँ। क्या नाम है उसका? धीरज। धीरज। और तुम्हारा? मेघा। मेघा। चल। हेलो। हाँ जी नमस्ते, क्या मैं धीरज से बात कर सकता हूँ? अंकुश उसका दोस्त दिल्ली से। लखनऊ? किस काम से? अच्छा ठीक है। क्या हुआ? बताता हूँ। सब ठीक ठाक है यार? हिसाब में लिखते ना। हाँ हाँ, पैसे कहाँ जाने वाले हैं? चल मैडम का काम हो जाए बस, तो समझ मेरा काम भी हो गया यार। कैसा है ये आदमी, तुझे यकीन है कि वो तुझसे प्यार करता है? कहीं ऐसा तो नहीं है आम चूस के गुठली फेंकने वाला? हाँ देख, लड़की को तो वो देखने गया लखनऊ शादी के लिए। वो ऐसा नहीं करेगा, वो आएगा। अच्छा ठीक है। तेरा कोई रिश्तेदार है शहर में? पैसे हैं तेरे पास? नहीं। फिर कहाँ रहेगी तू? हाँ मेरी मदद करेंगे प्लीज? अच्छा सोचने दे एक मिनट। ओ सही सेटिंग हो गई यार। सुल्फो एक काम करियो। बोल यार। रज्जू को मेरा थैंक यू बोल दियो। बोल दूंगा। और तू भी यार थैंक यू। कर दी ना गैरो वाली बात। ओ यार तेरी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती, अपने दोस्त को थैंक यू बोलता। अरे यार। ओ नहीं यार, अपने यार को थैंक यू बोलता है, ये सब कुछ नहीं है। अरे तू इशारा तो कर, फिर देख मैं तेरे लिए क्या करता हूँ। दिल खोल के बोल, दिल खोल के, तेरे लिए तो मैं जान भी लुटा दूंगा। जी कर तू मेरा। अच्छा जान मेरी, थोड़ा आराम से, तेरे घर के नीचे खड़े हैं हम। निकल यहाँ से कमीनी,
तुम बखत ले आते हैं, तू निकल यहाँ से, मेरे घर को समझ क्या रखा है तुमने? क्या कर रही है अम्मी? अम्मी क्या लगा रखा है? आराम से खाना खा ले। तू पैदाइशी कुत्ता तो तू था ही, अब धंधा भी शुरू कर दिया तूने, है? छोरियों को भगा के लेके आता और मेरे घर में आके दर्द देता है? कमबख्त, मेरे घर को समझ क्या रखा है तूने? अपनी रंगरेलियों का कोठा समझ रखा है? हला, तमाशा ना कर। और तू लगाओ तुझे मैं उल्टे हाथ की, मना किया था ना, मन ना किया था ना मैंने इससे मिलने से? नहीं अम्मी, हाँ नहीं, धमकी दे दिया था शाम से मुझे, अगर मैंने इसकी लड़की को घर पे नहीं रखा तो मुझे मारेगा। और चमार दिखा है अम्मी, मुझे चमार दिखा थी साले, चमार जुल्फी साले, पलटी मत कर। चुप कर कमीने। अरे क्या हो रही है? अरे कोई पुलिस को बुलाओ, ये अंकुश धंधा कर रहा है, मेरी बेटी को भी धमका रहा है ये। साली मोटी मुंह बंद कर सांड, मैं चुप्पू तो सर पे चढ़ जा रही हूँ, हाँ एक शब्द भी और निकला ना तो माँ कसम ऐसा हनेट कर झापड़ मारूंगा तेरी सूरत बंद हो जाएगी। और तू जिगरी अपने माँ का गली में मिल जाइयो, बस दिख जाइयो एक बार। राजो सूटकेस दे। चल बदन तो है ही भैंस का, सारा दिमाग भी भैंस का। पहले जेंटलमैन की तरह बात किया था है कि नहीं, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू मेरे ही कंधे पे बैठकर मेरे कान में मुंह देगी। अरे अरे क्या कर रही है? अरे अरे पकड़ इसको, छोड़ना मत, इसको मेरी गर्लफ्रेंड समझ रही है। अरे इसकी जैसी लड़की कभी मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है क्या? है अंधी मोटी, अपनी आंखों के इलाज करवा लियो। साले छोटे लोग टुच्चे कहें के, मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया था जो तुझे यहाँ पे लेके आ गया, माफ करना। हाँ ये तो पाइप चढ़ लेगी क्या? मेरे घर पे लड़की लेके जाने का पंगा है, पर तू तीन माला पाइप चढ़ लेगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। मैं दूंगा ना नीचे से धक्का। आज कौन सा दिन है? गुरुवार, जुम्मे वाली रात। चल दुआ मांग ली है, अब सब ठीक है। दो बसें गिरी, 100 लोगों के डूबने की आशंका। अच्छा ऐसे ही होता रहा ना तो आबादी भी घट जाएगी। तू फिक्र ना कर, कुछ ही घंटों की बात है, तेरा धीरज वापस आ जाएगा।
चहते पियाजी गाँव को जब से छोड़ दिया जी बावली मुझको कहते पियाजी गाँव को जब से छोड़ दिया जी पिया में लड़की आंसु में निकली सकल जवानी मोम से पिघली पिया में लड़की आंसु में निकली सकल जवानी मोम से पिघली 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 जागन अखियां सोवन अखियां याद न तेरी जी हाँ ओके ठीक है जैसे ही धीरज लौटेगा ना उसे कह देना 232-41625 पे फोन करने के लिए 625 हाँ जी नाम याद रहेगा ना आपको अंकुश थैंक यू मुझे लगता है कि वो आज जरूर आएगा तेरा धीरज हाँ फिक्र मत करते अच्छा मुझे अपने काम पे जाना है तू इधर आ भावना आंटी हाँ ए मैंने नाल है इधर बैठ सकती है हाय हाय अंकुश की गाल कर रहे हैं तेरी अपनी दुकान है आ जा पुत्र आ जा बैठ रात को काम हो गया तू भी ना कुछ भी बक देता है अच्छा तो साले कल रात को घर पे क्यों नहीं आया तू तू नहीं समझेगा यार हाँ भाई मैं सब समझता हूँ अच्छी अच्छी है छोरी अच्छी है अरे कुमार सर कैसे हो अच्छा दो गवाह और मिले हैं शर्मा जी हाँ जी बोलिए फॉर्म छोड़ जाएगा तू नहीं किया है उसने सभी यही कहते थे धीरज से दूर रहना दूर रहना बस नहीं कितनी देर को अच्छा मेघा मेघा लोग देख रहे हैं अच्छा सुन यहाँ से चलते हैं देख देख रोने से कुछ नहीं मिलेगा हाँ फंस क्या होगा कहीं पे शायद कल तक आ जाए नहीं आएगा
कड़ी की है, तेल लेके तो ना लागे। तेरी तो चांदी है साले, दूध में नहाएगा। नहीं यार, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बस रात काटनी है और पैसे नहीं है मेरे पास। अरे तेरी ऐश ही मेरी पेमेंट है, और कोई और पेमेंट हो सके तेरे बाद? ओ यार, ऐसा थोड़ी ना है। अरे क्या बोल रहे है, जरूरी थोड़ी है। थैंक यू यार। चल यार। पलंग पुरानी है पर मजबूत है। चल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अंकुश, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। कोई गल नहीं, ये मत सोचना कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। शायद मैं बहुत डरी हुई सी हूँ। और खुल के बोलियो, क्या बात है? देखो मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि तुम मेरा मतलब है कि मैं एक लड़की हूं और हाँ, और मैं एक लड़का। तो हाँ सही है, अगर तुम्हारी जगह लड़का होता ना तो शायद मैं उसकी मदद नहीं करता। शायद क्या, बिल्कुल नहीं करता। असल में क्या है ना कि मैं लड़कियों के साथ ज्यादा नहीं रहा हूं, और तुम्हारे जैसी लड़की के साथ तो मेरा कोई चांस नहीं है। तुम तो क्लास वाली लड़की हो ना, तो बस अच्छा लगता है तुम्हारे साथ, और ऐसा ना प्राउड फील होता है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। बस यही बात है, समझी ना? मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता हूं, और सेक्स का कोई चक्कर नहीं है। तुम पहले से इतनी टेंशन में हो, और टेंशन मत लो। हाँ पागल हो? थैंक यू अंकुश, अगर तुम नहीं होते तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ होती, मैं क्या करती। हाँ ठीक है, रियली अंकुश मैं दिल से कह रही हूँ, थैंक यू। हाँ ठीक है, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। हाँ वो आप दरवाजा बंद कर लियो, मैं यूं आया। हाँ दो प्लेट भुर्जी देना दोस्त। अंकुश कौन?
कौन है बे? अरे कौन है? दरवाजा खोल। अरे चिल्ला क्यों रहे? अरे खोल रहे कि नहीं? अरे सेकरी! अरे क्या हो रहा है अहमद भाई? अरे ये कहाँ है मेघा? हाँ, कहाँ है वो? हाँ, ग्राहक को क्या था? क्या इतना खोटा करूँ मैं तेरे लौंडिया के लिए? कैसा कमीना है तू साले, रुक नहीं सकते थे तुम मिनट? किधर गई है वो? यहाँ नहीं है तो ऊपर देख। तू छत पे चली आई, किसी ने कुछ कहा, छेड़छाड़ की? सेकरी भी साला कमीना है। हुआ क्या? उसने मुझे बरामदा में बैठने को कहा, वहां मुझे डर लगने लगा। सभी खुल रहे थे। साला पैसों के लिए कुछ भी करेगा। जो हुआ ना उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। तू बस रो मत। हाँ, खाना भी फेंक के आ गया, भूख लगी होगी ना? चल आज रात को घर पे आएगा क्या फिर? पता नहीं, दो रात हो गई हैं, अभी तक इसका यार ही नहीं आया। यार ये वापस क्यों नहीं चली जाती? कहती नहीं जा सकती। तने की जिम्मेदारी उठाई है इसकी। अकेली लड़की है यार, दिल्ली शहर है ये, कहाँ जाएगी? इसी बात से मैं परेशान हूँ। ए छोटू, एक काम कर, वो जो है ना लड़की, देखे आ जाए वहां पे। चल वहां पे, वहां पे। ये लो चाय, अंकुश भैया ने भेजा है। नाम क्या है तुम्हारा? छोटू। तेरा नाम? मेघा। अरे वो जो बुड्ढों का घर है ना, वहाँ पे क्यों नहीं ले जाता इसे? पागल है, इस लड़की को मैं वृद्ध आश्रम में रखूंगा? अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, वो जो पास में नवजीवन बुड्ढा आश्रम है ना, वहाँ पे बुड्ढों की सेवा करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, खासकर छोरियों की। लेकिन ये लड़की रहेगी क्या वहाँ पे? और कोई चारा है? ठीक है, क्या करना पड़ेगा? Won't you have some tea or coffee? No, thank you. मुझे खुशी है कि तुम्हारे जैसे यंग लोग सीनियर सिटिजंस के बारे में इतने कंपैशनेट है। I'm glad that you're joining us. Thank you. Welcome. पैसे किस बात के चाहिए उसे? हॉस्टल के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। हद हो गई यार, समाज सेवा करने के लिए भी पैसे भरने पड़ेंगे। कितने मांग रहे वो? 10,000 एक महीने के लिए जमा करना होगा। 10,000 हो सकता है? नहीं हो सकता है। चलो मैं लाऊंगा ना। नहीं अंकुश, चलो यहां से। मैं ला सकता हूं 10,000, शाम तक ले आऊंगा।
रात को तो इस हॉस्टल के कमरे में होगी। मैं इतने पैसे उधार नहीं ले सकती। वो तो तू उधार कहाँ ले रही है, उधार तो मैं ले रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें इस चक्कर में नहीं डाल सकती। और कोई चारा है नहीं। अगर तू कहीं काम भी करेगी ना तो महीने बाद पैसे मिलेंगे, तब तक क्या करेगी तू? मेरी बात मान ले, जाके बोल दे शाम तक पैसे ला दूंगी, ठीक है? मगर तुम पैसे लाओगे कहां से? अरे बात तो सुन ना मेरी। सुबह सुबह दौड़ता है यार। देख उस रात जो हुआ। छोड़ यार बात, काम से आया तेरे पास। क्या काम? पैसे चाहिए उधार पे। कितने? एक नया तरीका आया हाथ में, महीने में दुगने हो जाते हैं पैसे। बस 10,000। तुझे लगता है मेरे पास इतने पैसे हैं? तेरे पास तो नहीं है, लेकिन तेरी अम्मी ऐसे कितने बंडलों पे चढ़ के बैठी रहती है वो। ठीक है तो मैं इसे कहता हूँ कि अंकुश को पैसे चाहिए। अभी अकल के दुश्मन, कुछ और बहाना निकालना। महीने में तेरे पैसे वापस कर दूंगा, उसके ऊपर से तुझे दूंगा 2,000 और तेरी ऐश के लिए। हाँ नहीं यार, अगर पैसे डूब गए तो नुकसान हुआ तो मेरा, पर नुकसान होगा नहीं। साला पक्की गोटी है ये, और वैसे भी तेरे लिए तो दोनों तरह से फायदे का सौदा है ना। ये गेरो वाली बात ना कर, बोल देता हूँ, दोस्ती यारी में कोई सौदा भी होता है क्या? और उस रात जो हुआ तुझे लगा तेरा यार पलटी हो गया। यार तू जानता है अम्मी के सामने मैं कैसा हूँ, और फिर तेरा दोस्त तुझे कभी धोखा दे सकता है क्या? और तेरी और मेरी तो बात ही अलग है यार। बोल कब चाहिए पैसे तुझे? अभी। बाहर हवा चल रही है और आपको ठंड जल्दी लगती है, फादर पिंटो कह रहे थे। ऐसा नहीं है, मैं 2 टाइम बीमार हो गया था ना। वॉक पे चलना है ना आपको? वाओ बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप, ये लीजिए, चलिए आइए, देखिए हवा ठंडी है ना। हेलो मिस्टर, हु आर यू? अंकुश। वेल अंकुश, तुमको यहाँ से जाना होगा। मेघा या किसी और अटेंडेंट के विजिटर्स यहाँ अलाउड नहीं है, यू अंडरस्टैंड? मेघा? मेघा कौन? जिसको तुमने अभी वेव किया। मैंने तो अंकल को वेव किया, उन्हीं से मिलने आया हूँ मैं, वो अलाउड है ना? मिस्टर गोखले तुम्हारे अंकल है? हाँ। क्या काम है इनसे? काम वाम नहीं है कुछ, वो जब भी टाइम मिलता है तो गपशप करने आ जाता हूँ मैं। मेरे माँ बाप नहीं है, अच्छा लगता है। That's good. That's very good. Bless you, my son. Thank you. Hello, uncle, कैसे हो आप?
देखो मैं फिर आ गया। तो क्या हाल है आपका? हाँ, ठीक है। तो यहाँ ठीक से सेट हो गए? हाँ, जितना सेट हो सकते हैं। घर की याद आती है? आती है, आती है। नहीं, अब भी वापस नहीं जाना? वापस जाने से तो अच्छा है कि जमुना में कूद जाऊं, है ना? तुम बताओ। मेरे पैसे लेता है, पैसे लेके चला गया मेरे। उसे आ रहे, हटाओ बीच में से। बंसी, बंसी, खड़ा। कहाँ है वो, कहाँ है वो अंकुश? अरे बोलता क्यों नहीं है? वो, 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 वो। कहाँ गया वो? अम्मी, वो खाना खाने गया होगा। अम्मी समझा, अम्मी नहीं होगा वो। अरे वो रहा, वो रहा, कम रखत कहीं। अम्मी, अम्मी, अरे तुम चल। अम्मी, खाला, तू यहाँ? अरे ऐसे दिन में चांद निकला है? एक मिनट। हाँ हाँ, तो कमबख्त है, मेरे बच्चे को धमकी देके पैसे ऐंठ लिए तूने। निकाल पैसे, निकाल पैसे। खाला अभी नहीं, मेरे साथ पार्टी है। हाँ तो उन्हें भी पता चले तू कितना कमीना है। मेरे पैसों से अपने गर्लफ्रेंड के साथ रंगरेलियाँ मना रहे है? वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हें समझाया था ना कल रात को। तो नया धंधा लौंडियों का शुरू कर दिया। अरे देखो देखो, धंधा शुरू कर दिया लौंडियों का। अरे इसकी बात मत बताइए। क्या है ना, जब से इसकी शौहर की मौत हुई है, बेचारी बहुत सपना पहुँचे इसे। अरे किस कमबख्त ने कहा कि तू पागल है? तू तो एकदम फिट है, एकदम सही है। तू सारे डॉक्टर झूठ बोलते हैं। तू मेरी भी प्यारी है, तू तो सबको प्यारी है। सारे छोटे खोर हरामी। हां अरे छोटे कमबख्त, सही कह, तेरे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तू क्या क्या कहने की? तू हां कैसे मारेंगे? तू मार के दिखा ना। हां पागल, अरे पागल है ये औरत, रोज का नाटक है ये। इसकी बात में बताना पागल। मुंह पे हनेट के मारूंगा पैसे उसके। क्या समझ रखा है? पैसों के पीछे पागल है तेरी अम्मी। मुझे डर है कि लड़की के हॉस्टल ना पहुंच जाए पैसे मांगते हुए। तो तू रोक लियो। हाँ हाँ, मेरे रोकने से तो फौरन रुक जाएगी वो। चुड़ैल कहीं की। अरे गाली बकने से या टेंशन लेने से क्या उखाड़ लेगा? कोई चक्कर चला? 10,000 रुपए के लिए खाला एक महीने तक नहीं रुकने वाली। 10,000 रुपए बस, बहुत बड़ी रकम है। घाटे का सौदा करूं? अबे सौदागर, तुझसे किसने पूछा? हाँ अरे मैं कह रहा हूँ घाटे का सौदा है। इस काम के लिए 10,000 में कोई भी मस्त मिल जाएगी। छक्का बना दूंगा, फिर करना घाटे की बात। अंकुश, अंकुश छोड़ उसे। तू मुझे समझा रहा है? हर लड़की को देख के सेक्स का ही सोचेगा ये कमीना। बंसी, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? हैं? अरे है क्यों नहीं, पर हम उन लोगों को सेक्स की नजरों से नहीं देखते भाई। ठरकी है ये भी साला यार। हेलो भाई साहब। हाय, कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं। अकाउंट इनसे मिलिए। हाय, हेलो सर, मैं HDFC बैंक से हूँ। हमारे बैंक का अच्छा ऑफर है, अकाउंट खोलने पर आपको हर तरह का इनाम मिल सकता है। आप हमारे साथ अकाउंट खोलना चाहेंगे सर? अब ऐसा खाला घर बता दे। खाला? ओके बॉस, हमारा ये दोस्त है अंकुश, इसे 10,000 रुपए चाहिए। मिलेंगे? मिलेंगे सर, बिल्कुल मिलेंगे। हमारे बैंक के साथ अकाउंट खोलने पर आपको हर तरह का लोन मिल सकता है। मेरे ख्याल से आपको ट्राई करना चाहिए सर। तुझे क्या मिलता है? हाँ जी, तुझे क्या मिलता है इस काम के लिए? मुझे 500 रुपए कमीशन मिलता है सर, हर अकाउंट पर। 500? इधर। हाँ जी। ये बैंक में एजेंट बनने के लिए क्या करना पड़ता है, है? अरे क्यों राजा, बात बढ़ गई क्या? बैंक ज्वाइन किया है साले, पुराने धंधे से कहीं ज्यादा अच्छा है ये। और आज तुम दोनों की लॉटरी निकल आई है। खुद आया हूँ मैं अकाउंट खुलवाने। अकाउंट क्यों बंसी, क्या बोलता है तू? मैं बाद में आऊँ, अब यार मैं दुकान पे कोई नहीं है, मैं बाद में मिलता हूँ। साला टुच्चा कहीं का। Thank you.
शर्मा जी, आप अकाउंट क्यों नहीं खोल लेते? मुझे अकाउंट खोलने की क्या जरूरत है बेटा? मुझे 20 लोगों की जरूरत है, तब जाके 10,000 बनेंगे। अपनी विटनेस की लाइन ही अच्छी है भैया, थोड़े पैसे हैं मगर आते तो हैं। डायरी देना। इस डायरी की खास बात जानते हैं आप शर्मा जी? इन्होंने जितनी भी शादियां करवाई हैं उन सब लोगों के नाम, पता, फोन नंबर्स हैं इसमें। वो आपसे कह रहे ना अकाउंट खोलने के लिए, अगर इन लोगों से कहते तो बेटर नहीं होगा? क्या ख्याल है? हाँ, भूल नहीं सकते मुझे ये लोग, आखिर शादी की बात है और उनके मैरिज सर्टिफिकेट पे मेरा साइन है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। पहचाना आपने? जी नहीं। आपकी शादी करवाई थी 1 साल पहले, आप लोगों के माँ बाप के बीच झगड़ा हो चुका था। हाँ हाँ। 200 रुपए भी लिए थे अंकुश रामदेव। अच्छा अच्छा, याद आया। हाँ। भाई साहब नहीं है घर में? जी वो तो नहीं है। अच्छा, मैं अभी बैंक में काम करता हूँ और आपको अकाउंट खोलना ही पड़ेगा। ये अकाउंट खुलवाना था, एजेंट बन गया ना मैं? जी मेरा अकाउंट तो है, इस बैंक में कई ज्यादा फायदा है, आप तो जानते ना मुझे। ये देखिए, अम्मी आज मेरे लिए पाए का सूप बनाना। पाए का सूप है? तू पाए का सूप पिएगा है? ना मकूल, ना मुराद, बेशरम, पाए का सूप बनाऊं मैं तेरे लिए? अरे सारा दिन चाय पीता रहेगा कि कुछ काम भी करेगा तू? अब मेरी तरफ घूर क्या रहा है? अरे मेरी शक्ल क्या देखी जा रहा है बेशरम? क्या दांत क्या निकाल रहे हो तू? मुझे जाके पकड़ना, सांस फूल गई एकदम। अरे मैंने देखी जा रहा है। अच्छा अच्छा, अब ठंड रख, ये ले तेरे पैसे। हाय है, और ये रहा तेरा सूद, अब गिनते रहिए पूरा दिन, और तू मिलना गली में। अंकल मेघा कहाँ है? सामने कॉमन रूम में। फादर पिंटू। फादर को अभी पकड़ा है मैंने बाहर जाते हुए। आओ। एक खुशी की खबर लेके आया हूँ मैं। क्या? उधार खत्म, मिल गए 10,000। इतनी जल्दी? अरे तेरा आइडिया डायरी वाला, डायरी के तीसरे पन्ने पे हूँ और बन गए 10,000। कितने बेवकूफ हो तुम अंकुश। क्यों? तुम्हें नहीं लगता है कि मेरे लिए इतना कुछ कोई बेवकूफ ही कर सकता है? तुम्हारे दोस्त तुम्हें छेड़ते नहीं है कि ये लड़की तुम्हें उल्लू बना रही है? अच्छा, मुझे उल्लू बना रही है? हा? और नहीं तो क्या। पता क्या, आज मैं शादी ऑफिस से गुजर रहा था तो एक ख्याल आया कि यार कैसी कुत्तों वाली जिंदगी थी अपनी, गवाह, कोई इज्जत नहीं, कोई गारंटी नहीं, मैं तो खत्म था। फिर एक नई लाइन आई अपनी जिंदगी में, बैंक एजेंट वाली, जिसमें इज्जत भी है, पैसे भी हैं। और ये कैसे आई मेरी जिंदगी में? हाँ, किसकी वजह से?
अच्छा ये क्या है? प्लीज अभी मत खोलना। मगर है क्या? माइंड मत करना, इतने दिनों से तुझे तीन ड्रेस में देख रहा हूँ, एक काली, एक सफेद, एक पीला। तो अंकुश आज बाहर आ सकती है तू? पिक्चर देखेंगे हम, खाना खाएंगे, उधार चुकाने की पार्टी करेंगे। हाँ हाँ मैं आ सकती हूँ, कोई बहाना बना लूंगी। थैंक यू। ठीक है। ये ले। तुम इतना खर्च क्यों कर रहे हो? अरे अभी वो दिन गए, अच्छी कमाई कर रहा हूँ मैं आजकल, तू बस खा। तुझे मालूम है मेरे बैंक मैनेजर ने क्या कहा? उसने कहा अंकुश रामदेव तुम्हारा रिकॉर्ड सबसे बेस्ट है, तुम्हें तो एरिया सुपरवाइजर के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो तुम क्या करोगे? क्या करूंगा, मैं थोड़ी उस तरह का। किस तरह के? सुपरवाइजर की तरह। शर्ट पैंट में तो काफी हाई क्लास लगते हो, पूछने में क्या हर्ज है? हाई क्लास बोलती है पागल। बैंक मैनेजर ने ऑफर किसी और को क्यों नहीं दी? तुम्हारे जैसे तो काफी सारे है ना? है मगर क्योंकि तुम इसके काबिल हो। वो जानता है कि तुम रुकने वालों में से नहीं हो, एजेंट, एरिया सुपरवाइजर, बॉस, तुम कुछ भी बन सकते हो। क्या कह रही है तू यार? हाँ मेरे दोस्त तुझे सुनेंगे ना तो हंसेंगे। अंकुश तुम कुछ भी बन सकते हो। मुझे तुम्हारे बारे में किसी और से पूछने की कोई जरूरत नहीं। ठंड है, अच्छा लगता है। हमारा नैनीताल का मौसम भी ऐसा ही है। अच्छा थैंक यू अंकुश, ये शाम मैं कभी नहीं भूलूंगी। एक काम बाकी रह गया। क्या? तुम्हारा कहना है कि एक और सरप्राइज है? ऐसा ही समझ ले। एक फोन करना है। कहाँ? तेरे घर नैनीताल। मेघा अंकुश तुम ये सोच भी कैसे सकते हो, सिचुएशन जानते हुए? हाँ क्या? हाँ मैं क्या कहूंगी उनसे? नहीं ये नहीं हो सकता, मैं नहीं करूंगी। मेघा तू करेगी और अभी करेगी। अंकुश वो मुझसे बात भी नहीं करेंगे, गुस्से से पागल हो गए होंगे। नहीं मैं नहीं करूंगी। मेघा वो तेरे माँ बाप हैं, हाँ तूने सोचा है कभी उन पे क्या बीती होगी? 2 महीनों से तू लापता है। अरे गुस्से से क्या, वो तो चिंता से टूट गए होंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तू उनको फोन करके बता दे कि तेरा ठिकाना क्या है, तू क्या कर रही है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि तेरी आवाज़ सुन के ना अच्छा लगेगा, उनको बोल दे कि तू ठीक है, जिंदा है। मैं कैसे? मेघा जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, अच्छा? So much. अंकुश तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, लेकिन ये तुम्हारा सबसे बड़ा एहसान है मुझ पर। ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी।
चले। तुम जो मिले अरमा जगे सपने गए सजने लगे ना जाने कहाँ दिल खो गया सपने गए सजने लगे ना जाने कहाँ दिल खो गया आहिस्ता सॉरी माइंड मत करना। वेरी गुड एक्सलेंट कम हियर अपना सामान पैक करो और इसी वक्त निकल जाओ यहां से। कम ऑन फादर डोंट से एनीथिंग बहुत बोल चुकी हो तुम। आई वॉन्ट टू सर्व द रेजिडेंट्स बिकॉज दे हैव नो वन एल्स। तुमने यहां के रेजिडेंस का इस इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल किया है अपनी लेक्चरी के लिए इस लफंगे के लिए। वेल ये इंस्टीट्यूशन कोई पिकअप जॉइंट नहीं है। जस्ट गेट योर लगेज एंड गेट आउट।
सर। गेट ऑफ द प्रेमिसेस राइट नाउ। हम आपकी तरह फादर नहीं है सर, हम मामूली लोग हैं, गलतियां करते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, गेट आउट ऑफ हियर। मैं ही लाया था मेघा को यहाँ रहने के लिए, फिर आपसे झूठ कहा कि मैं इसे नहीं जानता, फिर अंकल आंटी के बहाने से हम मिलते थे। ये सब मैंने क्यों किया, मेरा मेघा से क्या संबंध है, ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं भी नहीं जानता, मगर इतना जानता हूं कि इस संबंध में कुछ भी गलत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई पाप किया है, इसलिए आपके सामने खड़ा हूं, आपकी आंखों में देखकर बात कर रहा हूं। इस लड़की ने बहुत तकलीफ देखी है फादर, मैं नहीं चाहता कि इसे और तकलीफ देखनी पड़े। हाँ, मैं इसे प्यार करता हूं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसे यहां से मत निकालिए। 2 महीने का वक्त दीजिए, 2 महीनों में मैं खुद इसे यहां के ले जाऊंगा इज्जत से। मुझे अच्छी जॉब की ऑफर मिली है फादर, बैंक में एरिया सुपरवाइजर, 2 महीनों में इतने पैसे बन जाएंगे कि मैं घर ले सकूं। मैं भी काम करूंगी, मेरी भी सैलरी होगी। हो जाएगा फादर, सब फिट हो जाएगा, जिंदगी सेट हो जाएगी, बस 2 महीने का वक्त चाहिए फादर, प्लीज। अगर आगे से तुम 10 बजे के बाद वापस आई तो रात भर बाहर ही रहना पड़ेगा, समझी? चलो अंदर। और तुम, विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए हैं, अगर इसे मिलना है तो कल आना होगा। थैंक यू फादर, थैंक यू। थैंक यू फादर। ए खाला, अरे ओ खाला, अरे बत्ती जला, चादर हटा और बाहर निकल, तेरे कान खराब हो गए हैं क्या खाला? अरे अरे साले गिरगिट के चूजे, अपनी अम्मी को बाहर निकाल। जाना हल्ला ना कर, अम्मी जाग जाएगी, दफा हो जाए यहाँ से तू। वक्त सोने नहीं देते कमीने। खाला, ओ खाला तू ग्रेट है खाला, वो लड़की है ना मेघा, तूने कहा था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरी गर्लफ्रेंड ही है, तू बहुत पहुंची हुई चीज है खाला। मैं तेरी चुम्मी लेने आ रहा हूँ खाला, तू ठहर, मैं ऊपर आ रहा हूँ। हाँ कमबख्त, शर्म को भी अनाथ बना दिया अपनी तरह है। अरे रोज रोज अरे पुलिस को बुलाओ। अरे पुलिस को नहीं यार। अरे क्यों चिल्ला रही है, ना मुराद कहीं का, हर वक्त का धंधा बना रखा है तूने, सोने भी नहीं देता कमबख्त, गली वालों को तंग करके रख दिया है। क्या सौदागर, तू यहाँ क्या कर रहा है? बस वैसे ही, मैं तेरा वेट कर रहा था, कहाँ था तू अब तक? क्यों, मुझसे क्या काम पड़ गया? बंसी किसी ने लाया है। हाँ तो बाहर खड़ा है मुझसे मिलने। हाँ हाँ जी अंकुश। हाँ ये धीरज साहब नैनीताल से, तुम्हें पूछते पूछते मेरी दुकान पे चले आए। क्या तुमने नैनीताल फोन किया था मेरे लिए? एक नंबर छोड़ा था इसी के एसटीडी बूथ का, किया था क्या तुमने? वो बात क्या है, सीधा बोलो। वही तो पूछने आया हूँ, शायद कोई बात होगी जो तुमने ये सब किया। कुछ महीने भर पहले तुमने फोन किया था, मेरी माँ ने फोन उठाया, तुमने मेरे बारे में पूछा, कुछ याद आया? जब मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ तो फिर क्यों करूंगा फोन, मैंने कोई फोन चुने क्या? तुमने अपना नाम छोड़ा था क्यों बेबंसी? हाँ कितने आदमी फोन करते हैं तेरे एसडी बूथ से हर रोज? हाँ हजारों करते हैं, आजकल दुकान भी अच्छी चल रही है मेरी,
ये हुआ होगा, किसी और अंकुश ने फोन किया होगा। अब मैं अकेला थोड़ी हूँ इस दिल्ली में, जाके नुक्कड़ पे चिल्लाओ अंकुश, तीन चार भागे भागे आएंगे। तुमने तो कहा था कि तुम जानते हो जिसने फोन किया था। हाँ, अरे हाँ, तभी तो मैं तुम्हें लेके यहाँ चलाया, मुझे लगा यही होगा। तुम्हें लगा? तो अंकुश तुमने मुझे फोन नहीं किया ना? देखो बात यह है कि मैं किसी लड़की को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा। जिसका नाम मेघा है। वो उस वक्त दिल्ली में थी जब तुम, मतलब वो फोन आया था। क्या तुम किसी लड़की के बारे में कुछ जानते हो मेघा नाम की? मैं किसी मेघा को नहीं जानता। कोशिश तो करो, मेघा जोशी नैनीताल से। ये तस्वीर देखो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। 5.5 फुट का कद, गोरी सी, लंबे बाल। अब मैं तो 50 लोगों को मिलता हूँ हर रोज, किसी एक ही शक्ल थोड़ी याद रहेगी। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, पर मैं इस लड़की को नहीं जानता। ठीक है, बंसी तने पता है आज रात के 2 ऑर्डर मिले मुझे। अरे दुकान बंद है क्या? चाय नहीं पीऊं? तो चाय पीना। हाँ तो लेने दे, भट्टी मुंह डाल दूं अपना। अबे ये ऐसे ही घूरता रहा तो एक दिन फूल की दुकान पे बैठ जाएगा। क्यों गुरु? अबे अंकुश कहाँ है? पता नहीं यार, सुबह सुबह घर से निकल गए। वहीं गया होगा अपनी मेघा के पास, मजे ले रहा होगा। अबे यार ये रहा। अरे यार चुप कर। अबे गुस्सा क्यों हो रहा है? अंकुश ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं, सच है क्या? अब ज्ञान मत दे। अच्छा जो हो गया सो हो गया, अब छोड़ना। बोल सकता तो बोल दे, लड़की को जाकर उसका यार लौट आया है। हिम्मत है? नहीं है ना? चाय पी। वो आ गया तो? कौन? धीरज। बैंक मैनेजर से बात हुई? एरिया सुपरवाइजर बनने की? मेघा तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बहुत काम है यहाँ पर, वक्त नहीं है मेरे पास ऐसे फालतू बातों के लिए। फिर भी अगर वो तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाए तो तुम क्या करोगी? हाँ इतने दिनों तक नहीं आया, अब क्या आएगा? तू उसे प्यार करती थी ना? हाँ। और अब? अब वो इंसान, वक्त, जगह सब मेरे लिए खत्म हो चुका है। वो एक दूसरी दुनिया थी अंकुश, जिसे मैं याद भी नहीं करना चाहती हूं। पूछो मेरी उस जिंदगी के बारे में जो भी जानना चाहते हो, आज पूछ लो, क्योंकि इसके बाद हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। पूछो। Thank you.
यू हैव बीन हाईली रिकमेंडेड बाय योर बॉस. शुक्रिया. तो आप एरिया सुपरवाइजर बनना चाहते हैं? सर बहुत से आइडियाज हैं मेरे पास. गुड. आप होनहार हैं, मेहनती हैं, लेकिन मिस्टर रामदेव एक प्रॉब्लम है. आपको इंग्लिश नहीं आती. सर मैं दिल्ली छः का आदमी हूँ और वहाँ के लोग हिंदी में ही बात करते हैं. ये इंग्लिश में इंग्लिश नहीं चलती वहाँ पे. अगर मैं इतने सारे अकाउंट्स लेकर आया हूँ तो वो मेरी अंग्रेजी की वजह से नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ. हम जानते हैं मिस्टर रामदेव, लेकिन आपके नीचे जो एजेंट काम करेंगे वो इंग्लिश जानते भी हैं और बोलते भी हैं, इसलिए. सर आपको अकाउंट से मतलब है ना? मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, अंग्रेजी भी सीख लूंगा मैं बहुत मेहनत करूंगा. आप देख लीजिए, बस एक महीना दीजिए मुझे प्लीज. ये नौकरी बहुत जरूरी है मेरे लिए, यही मेरी जिंदगी बदलेगी. ये मौका दोबारा नहीं आएगा. बस थोड़ा भरोसा चाहता हूं मैं, आप लोगों की तरह बनना चाहता हूं मैं, डिग्निटी वाला आदमी. ओके, मैं ये चांस ले रहा हूं. 10 मिनट के बाद रिसेप्शन से अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले जाना. कंग्रेचुलेशंस. शुक्रिया सर, मेरा मतलब थैंक यू सर. यू वेलकम. थैंक यू. Love you unconditionally, Sony. मेघा का फोन देना प्लीज. अंकुश. हेलो 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 मेघा. अंकुश. हेलो भाई साहब, 100 का छुट्टा देना. अंकुश. अरे धीरज, तू अभी तक क्या है? भाई साहब नहीं है,
अरे धंधा कर रहा है कि टाइम पास कर रहा है, देख तो। तुझे लगता है कि वो तुझे मिलेगी? भाई साहब ये दिल्ली है, यहाँ पे लोग दो मिनट में गायब हो जाते हैं, और तुम उस लड़की को ढूंढ रहे हो जो दो महीने पहले गायब हुई थी। वो यहीं आई थी, हमें यहाँ मिलना था। और कहाँ जाएगी वो? अबे सारी उम्र ढूंढता रहेगा क्या? एक तो खुला दे रहा हूँ, ऊपर से धमका रहा है। खुला दे रहा है यार, एहसान नहीं कर रहा है। मेरी बात मान, तू वापस लौट जा। क्या हुआ अंकुश? हुआ क्या? कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे, मगर उन लोगों ने कहा क्या? तुम मुझे डरा क्यों रहे हो? हाँ, तुम्हारी शक्ल देखकर मेरी सांसें रुक गई। मुझसे नाटक करते हो? हाँ मिस्टर एरिया सुपरवाइजर। बस तुम्हें इंग्लिश सीखनी होगी, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। मेघा, हम दोनों शादी कर लें? फादर पिंटो को तो सब कुछ बता दिया हमने, अब समझो जॉब भी पक्की हो गई। एक महीने में मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, हमारे घर होगा, तू रहेगी ना मेरे साथ? मैं तुम्हें कुछ दिन बाद बता सकती हूँ। सलाम अलैकुम। तूने मेरी जान ही निकाल के रख दी। कैसी है तू? तू आज पुलिस की लाठी सही मानेगा? अरे पुलिस क्या, तू मिलिट्री को बुला ले खाला। तू पहली थी जो मेरे और मेघा के बारे में सब समझ गई। उन्हें सब पहले ही देख लिया खाला, तू ग्रेट है। क्या कहेगी खाला? कौन? अरे मेघा। वो क्या है ना, मैंने उसे शादी के लिए पूछ लिया, उसने कहा कि वो बाद में बोलेगी। मैं क्या करूं? हैं? फिलहाल तो तू यहाँ से निकल। कम बकत। अरे आज जाने मन, जलन हो रही है कि मैं किसी और के साथ जा रहा हूँ? अरे अरे बदतमीज, कैसी कैसी बातें करता है तू? खाला देख देख, तू जानती है कि मैं निकम्मों के साथ घूमता फिरता हूँ, तुझसे ज्यादा मुझे और कोई नहीं जानता। तू मुझे जानती है, समझती है। अंदर कुछ कुछ अजीब सा हो रहा है, क्या कहेगी वो? हाँ कहेगी, और क्या कहेगी? और ना कहा ना तो उल्टा मुंह लगाना उसे। इतना किया तूने उसके लिए, हाँ नहीं कहेगी तो और क्या कहेगी? वैसे भी उसका तो कोई है नहीं यहाँ पे तेरे सिवा। फिर मैं मैरिज ऑफिस जाके नोटिस दे देता हूँ, फिर क्या है? 20,000 की नौकरी, एक घर। 20,000? अरे तेरी कसम खाला, ये टाई, ये शर्ट, ये पैंट, ये सब उसी की वजह से तो है। वो ही मुझे निकालेगी इस गटर से। अगर वो नहीं होती ना तो मैं तेरे साथ शादी कर लेता। ओए रज्जू, चिल्लाने दे मोटी को, जब पारा कम हो जाएगा ना दे दियो सीढ़ी। हैं?
कहेगा अब हम 25 तारीख को दिल्ली में ही मिलेंगे। ये बस टिकट के पीछे मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस का एड्रेस है। अच्छा यही होगा कि हम दोनों अलग अलग जाएं। तुम वहां मिलोगे ना? हाँ बाबा, मैं तो वहां पहले ही पहुंचाऊंगा। एक चाय देना अंकुश भैया। हाँ पुलिस आई है। हाँ तुझे पकड़ने के लिए। मेघा दीदी के बारे में पूछताछ कर रही है। अरे हाँ भी पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं। अंकुश तुम्हारे लड़की के बारे में पुलिस लोग बहुत पूछताछ कर रहे हैं, मैंने तो मना कर दिया। तुमने इसे देखा है? ये 2 महीने पहले यहाँ पे आई थी। अरे साहब ये लड़की अगर मेरी आंखों के सामने आती तो सब मैं पहचान जाता। घुटन सी हो रही है साली, चैन की तो ऐसा क्यों होता है यार? हाँ यही वक्त मिला था उसको क्या टपकने का? तब कहां था जब सड़क पे खड़ी थी? 2 महीने बाद आया है और मैं क्या हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं? हाँ मजाक समझ रखा है मुझे? अरे तो शादी कर लेना, बात अपने आप खत्म हो जाएगी। अरे 1 महीना फिर भी जाएगा ना, और मैरिज ऑफिस में फिर नोटिस देना पड़ेगा। और ये महाशय 1 महीना चिपका रहा तो फिर उनका मिलना लिखा ही है। हाँ तो मिलने देना उन्हें। क्या बकवास कर रहा है यार? क्यों कुछ भी हो सकता है, पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ा दे। अंकुश धोखा दिया उसने उस लड़की को, तुम्हें लगता है वो उसकी बातों में आ जाएगी? नहीं। तो फिर डरता क्यों है? और मान लो वो उसके साथ चली भी गई तो इसका मतलब वो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। अरे मैं कोई फिल्मी हीरो नहीं हूं जो लड़की दे दूं और फिर मुस्कुरा के गाना गाऊं, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। अरे यार कुछ करना पड़ेगा यार, धीरज को दिल्ली से निकलवाना होगा और जल्द ही। ओए फिकर क्यों कर रही है? ओ मैं कर दूंगा तेरा काम। ओए कर दूंगा मैं। धीरज। हाँ राजेश बताओ मेघा के बारे में क्या जानते हो? तो वो तो गई। क्या? हाँ जी तो रेलवे स्टेशन पे देखा था मैंने उसे। कब? यही कुछ 40 दिन पहले, मौसी को छोड़ने गया था तभी। कौन से स्टेशन? पुरानी दिल्ली, यहाँ से जाते हैं सीधा दाहिने हाथ की तरफ, बिल्कुल सामने ही है। मेघा स्टेशन पे क्या कर रही थी? जी अकेली नहीं थी, कोई मर्द था उसके साथ। मर्द? हाँ जी। तुम ये तस्वीर देखो, गौर से देखो, क्या यही थी वो लड़की? हाँ जी यही तो वो लड़की है। और उस दिन ट्रेन में लाइट भी ज़्यादा थी और मेरी आँखें कभी धोखा नहीं खा सकती, मैं सामने 10 मिनट तक बैठी थी। यही लड़की थी, यही थी। अच्छा एक बात बताओ। हाँ जी। ट्रेन कहाँ की थी? बम्बई की। कौन सी? राजधानी। पुरानी दिल्ली से राजधानी? पर राजधानी तो नई दिल्ली से जाती है ना? हाँ जी वो उस दिन पुरानी दिल्ली से चली गई होगी वो, अब ट्रेन का तो पता है आपको। ओए राजेश। हाँ कौन है तू? हाँ ओ जी क्या है मामला, क्या है साफ साफ बता। नहीं जी हाँ?
मेघा के बारे में क्या जानता है तू? उजी मैम। ओए! भाप लिया, रट्टा मार के गया था ना तू? और तुम्हें क्या करता? पुलिस की तरह चीर-फाड़ करने लगा हूँ। थकन है तू भी। पिपनी को भेजते ना। दिमाग नाम की चीज़ है क्या? शक हो गया उसको। कुछ और जुगाड़ निकालना पड़ेगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आओ। अकेले हो? बात क्या है? म्यूनिसिपल ऑफिस से आ रहा हूं मैं, काम रहता है मेरा वहां पे। आज ऐसे ही पूछ लिया, पुलिस भी गई थी वहां पे, किसी प्यून की लापरवाही की वजह से बात उनकी नजर में नहीं आई। क्या बात है? मेघा जोशी। ये क्या है? पढ़ लो, समझ जाओगे। क्या? धीरज, ये मेघा जोशी का डेथ सर्टिफिकेट है, उसका नाम लिखा है इसमें। 29 अक्टूबर को उसकी डेड बॉडी मिली थी रेलवे पटरी पर। 5.5 फुट का कद, सब कुछ लिखा है इसमें। सरकारी पेपर है, गलत नहीं होगा। सॉरी, मैं सोचा तुम्हें बताना ठीक होगा। काम हुआ? हाँ। जो गुरु, मान गया तुझे मैं। अरे क्या कर दिया इसने? ओए, अपने अंकुश ने उसकी ऐसे तो हल्के से ली कि उसे जिंदगी पर पता नहीं चलेगा। कुत्ता साला, बड़ा स्मार्ट बन गया था मेरे सामने। बस कर जुल्फो। अरे यो तो बता, करके दिया इसने। अरे वो सब छोड़ ना तू, सलाम ठोक अपने यार को, मैं तो सल्यूट करता हूँ। चेपू साला, पता नहीं कहां से चलाया। अब देखियो, जिंदगी भर देख ची खखोरता रहेगा, लेकिन उसे पता नहीं चलेगा कहां गई वो। चुप कर। अच्छा बहुत हो गया। अरे ठीक है ना, वो हवा बस को थोड़ी ना पता है कि असली मलाई तुम मेरा यार कह रहा है। कब से कह रहा हूं चुप हो जा, फिर भी भगते जा रहे। तुमने सबके सामने मार दिया।
मैंने तेरी मदद की यार। कैसी घटिया बातें कर रहा है तू, समझ में नहीं आता कुछ? तू क्या गलत किया मैंने? तारीफ ही तो कर रहा था मैं तेरी। अच्छा सॉरी जुल्फू। धीरज भाई साहब, बहुत देर से खटखटा रहा हूँ, वो दरवाजा खोल नहीं रहा है। सो रहा होगा। हाँ लेकिन फिर भी बंदा कहीं नहीं गया। तो फिर आप आइए ना मेरे साथ। क्या साहब आप भी। दो मिनट सर प्लीज। ठीक है जी आइए। थैंक यू। धीरज चले जाओ यहां से। सुनो जी, ये इसके घर का नंबर है नैनीताल का। फोन करके कह देना कि धीरज यहाँ पे तुम्हारे लॉज में। कह देना कि हाल ठीक नहीं है, इसे जल्दी को यहाँ से आके ले जाए। ठीक है? अब फोन अभी कर लेता हूँ। हाँ प्लीज। और हाँ, इसके खाने का कुछ इंतजाम कर देना। ठीक है? ठीक है, पर हुआ क्या है इसे? इसे बस आप ध्यान रखना, जब तक तो कोई आना जाए फोन जरूर करना। हाँ जी हाँ। अंकुश देखो मैं तुम्हारे लिए ये सब लाई हूँ। एंड इन वन मंथ यू आर गोइंग टू टॉक लाइक एन एरिया सुपरवाइजर। लेट्स बिगिन। क्या हुआ? कुछ नहीं। यू आर वंडरिंग व्हाट माय आंसर इज टू योर क्वेश्चन। माय आंसर इज यस। मेघा वो और अगर अंग्रेजी नहीं सीखोगे तो समझोगे कैसे? अंकुश परेशान मत हो, कुछ दिन पहले तुमने मुझसे सवाल किया था ना, मेरा जवाब हाँ है। मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कल मैरिज ऑफिस जाएंगे हम, रजिस्टर करना होगा। हाँ। मेघा तू खुश है ना? हाँ। कर दिया बेखबर,
शामों से है, बेचैन शामों से है, बस तुझे याद करता हूँ मैं रात भर, बस तुझे याद करता हूँ मैं रात भर। इश्क ने तेरे इश्क ने हो, इश्क ने तेरे इश्क ने। मेघा कहाँ है? अपने कमरे में, उससे कोई मिलने आया है नैनीताल से। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तो मैंने धीरज, अब क्यों आए हो? अपने लखनऊ वाली लड़की से खुश नहीं हो क्या? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने शादी कर ली? मेघा, 5 साल में तुमने मुझे इतना ही पहचाना? धीरज तुम चले जाओ। मेघा, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, यहाँ की सड़कों पर छोड़ दिया? मुझे जाना है, मैं किसी और से शादी कर रही हूँ। अंकुश से? तब कर दी जब उसने, ये देखो देखो,
जब ये सर्टिफिकेट देखा तो मैं मर गया। मेघा, मैं तेरे बिन जी नहीं सकता। एक बार वो बस मेरे हाथ में आ जाए, मैं उसे जान से मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा। बस अंकुश के बारे में और कुछ मत कहना। मैं जानती हूं कि उसने ये सब क्यों किया। आज अगर मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं तो सिर्फ उसी की वजह से। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं खुदकुशी कर लेती। कहां जाती मैं? मेघा, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो ना। क्या जादू चलाया उसने तुम पर? हाँ, किसी भी हद तक गिर सकता है वो। तुम उसे नहीं जानते हो। अब तो मुझे ये लग रहा है कि मैं तुम्हें ही नहीं जानता हूं। ठीक है मेघा, तुम जो ठीक समझती हो तुम करो, पर एक बार, सिर्फ एक बार, फॉर ऑल टाइम सेक, तुम ये सुनना नहीं चाहती कि मेरे साथ क्या हुआ? मेघा, मैं यही आ रहा था दिल्ली, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो। जरा बैग हटाएं। पैसेज में एक बैग पड़ा था, किसी को परेशानी ना हो इसलिए सीट के नीचे कर दिया। पता नहीं किसका बैग था वो। चल, अरे हुआ क्या? हम लेके घूमते हैं, अभी बता दो। अरे क्या हुआ क्या भाई? मैं एक महीने तक पुलिस के हिरासत में था। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं तो सिर्फ नैनीताल से दिल्ली जा रहा था। सब हम भाग के शादी करने वाले थे, पता नहीं वो किस हालत में होगी। सब दिल्ली में वो किसी को नहीं जानते सब। तो आरडीएस किसकी इबारत में फेंकने के लिए ले जा रहा था? सर वो बैग मेरा नहीं था सब। तो फिर किसका था? जब होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। और मेघा, हर वक्त मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा कि तुम किस हालत में होगी, कैसी होगी। यही डर मुझे खाया जा रहा था। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही मैं दिल्ली चला आया तुम्हें ढूंढने। पिछले 10 दिन से ढूंढ रहा हूं तुम्हें। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया?
अंकुश आया था। मुझसे गलती हो गई मेघा, ये सब सोच समझ के मैंने नहीं किया। धीरज को झूठ बोला, तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट बना के उसको। अंकुश, मैं जानती हूँ कि तुमने ये सब क्यों किया। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, मैं समझती हूँ। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है अंकुश, बहुत कुछ। मुझे सहारा दिया, मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी। इन 2 महीनों में सिर्फ तुम मेरे साथ थे, हर कदम पर, हर मुश्किल में। अगर तुम नहीं होते आज हम उसी जगह पे हैं जहां हम पहली बार मिले थे। फर्क बस इतना है कि अब धीरज आ गया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उसके साथ बहुत बुरा हुआ और मैंने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं, और वो हर वक्त मेरे बारे में ही सोचता रहा। मैं क्या करूं अंकुश? कमाल कर दिया तूने, खुद सवाल करती और खुद जवाब देती है। कहां से कहां आ गया हूं मैं? 2 महीने पहले मैं क्या था? यही एक मामूली सा गवाह, और अब बहुत बदल दिया तूने, बहुत सीखा है तुझसे मैंने। तुझे डर है ना मैं टूट जाऊंगा, देवदास बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। और मुझे तेरा एहसान भी नहीं चाहिए, इसीलिए तूने हाँ कहा था ना? मैंने जो भी किया वो एहसान समझ के नहीं किया, गलती मेरी है, तेरी दोस्ती को प्यार समझ बैठा। दोस्त बस वही लगता हूं ना मैं तुझे। तुझे पता है कि तुझे क्या करना है अंकुश? प्यार करती है मुझे? हाँ करती है तो बोल। थैंक्स। मेरे हीरो, चाय लाना, चाय ना छोटे नवाब। टेढ़ा हो गया यार। मैं भी टेढ़ा हो गया था,
ए पिपणी, माफ कर देना। इनके विटनेसेस कहाँ हैं? उनको बुलवाइए। मुबारक हो, हैप्पी मैरिड लाइफ। अंकुश, थैंक यू, तुमने मुझे मेरी जिंदगी वापस लौटा दी। थैंक यू वेरी मच। 200 रुपए। थैंक यू।